जय हिंद, सलाम, स्वागत, आदाब सभी का। एक और सूचना आई है आपके लिए हरियाणा की तरफ से। हरियाणा में एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसकी तरफ से आई है सूचना। और यूनिवर्सिटी ए ग्रेड है, नेक के द्वारा अच्छी रैंकिंग प्राप्त है और टॉप 100 में भी शामिल है। यूजी, पीजी और पीएचडी के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म। बीटेक, एमटेक और बी फार्मेसी, बी फार्मा के फॉर्म भी आए हुए हैं। ठीक है, तो सभी की जानकारी तो मैं नहीं दे पाऊंगा एक वीडियो में आपको सभी कोर्सेज की, लेकिन एडमिशन आप चाहें तो किसी भी कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप यूजी में लेना चाहते हो, पीजी में, बी फार्मेसी में, बी फार्मा में या फिर पीएचडी में। आपसे जो बातचीत होगी इस वीडियो में केवल पीएचडी के विषय में होगी। ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको डेट बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। यदि आपको यूजी और पीजी में एडमिशन लेना है या फिर डी फार्मा या डी फार्मेसी में एडमिशन लेना है तो 31 जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फीस सबमिट कर दीजिएगा। लेकिन यदि आप पीएचडी में आवेदन करना चाहते हैं तो लास्ट डेट है 7 फरवरी 2021 शाम 5 बजे तक। ठीक है, पीएचडी वाले 7 फरवरी शाम 5 बजे तक नामांकन कर देंगे, फीस जमा कर देंगे। यूजी पीजी डी फार्मेसी बी फार्मा बीटेक के बच्चे 31 जनवरी 2022 तक शाम 5 बजे तक। ठीक है, डेट्स का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और पीएचडी वाले बच्चे फीस सबमिट कर सकते हैं रात 12 बजे तक। ठीक है, 7 फरवरी रात 12 बजे तक फीस सबमिट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी शाम 5 बजे तक। ठीक है, डेट्स मैंने आपको पहले बता दी, नहीं तो मैं बाकी चीज़ें बाद में भूल भाल जाऊँगा। ठीक है, और साथ ही साथ में पहली चीज, वीडियो का पहला पार्ट, पीएचडी में जिन बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है, पहले चरण में, उस पहले चरण के बाद यदि किसी डिपार्टमेंट में कोई सीट खाली बचती है तो उसके लिए दोबारा से फॉर्म नहीं भरने हैं, वेटिंग सीट पर एडमिशन यूनिवर्सिटी लेगी मार्च के महीने में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी जो एडमिशन हो रहे हैं वह अलग कैटेगरी में है, उसके बाद सीट खाली बचेगी तो फिर दूसरे चरण में भी एडमिशन लिया जाएगा वेकेंट सीटों पर 9 मार्च के बाद में। ठीक है, तो 9 मार्च तक पहला चरण है एडमिशन का, 9 मार्च के बाद दूसरा चरण होगा पीएचडी के लिए। ठीक है, और अब बातें करते हैं एक सीरियल वाइज तरीके से। सबसे पहली बात, सीटें आई हैं कम इस यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैंने आपको शायद यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया। यूनिवर्सिटी का नाम है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हमारे एक मित्र छोटे भाई हैं, उन्हीं के माध्यम से हमको ये सूचना प्राप्त हुई है। नाम है उनका अरमान अली। ठीक है, स्वयं पीएचडी कर रहे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से मुझे ये सूचना प्राप्त हुई। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के कुछ अजीब नियम हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के, खासकर कास्ट को लेकर, कैटेगरी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर। कास्ट, कैटेगरी, रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो स्टेट यूनिवर्सिटी के अपने नियम कानून चलते हैं रिजर्वेशन के और कैटेगरीज के। तो प्रोस्पेक्टर को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा फॉर्म को भरते वक्त में, क्योंकि एससी कैटेगरी में कौन कौन सी कास्ट शामिल होगी उसकी एक पूरी लिस्ट दी है यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टर में। एससी कैटेगरी में भी डिप्रेस क्लासेस की भी अलग अलग कैटेगरी वो यूनिवर्सिटी दी है। ओबीसी कैटेगरी में कौन कौन सी कास्ट होगी उसकी भी कैटेगरी दी है। तो इस किस कैटेगरी में आप आते हैं उसको देख लीजिएगा। और ऐसे कैंडिडेट जो कहीं जॉब करते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी से, तो अप्लाई करते वक्त ऐसे कैंडिडेट को एनओसी का लेटर भी अटैच करना होगा, अपलोड करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी बातें आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सीटें बता देता हूं। मैंने पहले ही बताया सीटें कम है, लेकिन एक अच्छी बात पता है क्या है, यूनिवर्सिटी का जो प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 41 है उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा, मैं सारे ही प्रोस्पेक्टर के लिंक आपको दे दूंगा, यूजी का भी, पीजी का भी, पीएचडी का भी, आपको दिक्कत नहीं होगी। पीएचडी प्रोस्पेक्टर में पेज नंबर 41 में देखिएगा कि जिस विषय में, जिस विभाग में आपको पीएचडी करनी है उस विषय में किन किन एरिया पर या क्षेत्र पर काम होना है उसकी पूरी लिस्ट दी है विश्वविद्यालय ने। ठीक है, मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कुछ कुछ, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी एक विषय है उसमें, फूड प्रोसेसिंग, न्यूट्रिशन, पोस्ट हार्वेस्टिंग और फ्रूट्स और वेजिटेबल, इस तरह का टॉपिक दिया गया है। ठीक है, जैसे कि एक इसमें है साइकोलॉजी का, उसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी, ठीक है, इसमें सेशन दिया गया है। और जैसे कि कम्युनिकेशन का है ना, इकोनॉमिक्स का है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अलावा दिया गया है इसमें इंडस्ट्रियल एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ हरियाणा। जैसे कि हिंदी का है, हिंदी का भी इसमें दिया गया है आधुनिक हिंदी कविता एवं कथा साहित्य एवं पत्रकारिता। तो
तो ऐसे इसमें कुछ एरिया दिए गए हैं रिसर्च के, तो इससे आपको लाभ ये होगा कि जब अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार करेंगे आप पीएचडी के लिए, आपको हेल्प हो जाएगी कि किन के एरिया में जाकर आपको काम करना है। जैसे कि मान लो कोई हिंदी का बच्चा है, उसका काम यदि उपन्यास पे है, आलोचना पे है, तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। तीन चार फील्ड अलग से दे दी है, उसी टॉपिक को केंद्र में रखते हुए अपना टॉपिक को तैयार करेंगे आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको सीटें बता देता हूं, लगभग 14 विषय हैं, केवल 14 विषय हैं जिनमें सीटें आई हैं पीएचडी की, ठीक है। कौन कौन से विषय हैं वो मैं आपको बता दूंगा, सीटें कितनी हैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि सीटें बताने लायक नहीं है, बहुत कम सीटें आई हैं। लेकिन आपको फिर भी इंटरेस्ट हो अप्लाई करने में तो कर लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पहला विषय है, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सेकेंड, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, बायो एंड नैनो टेक्नोलॉजी, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, अप्लाइड साइकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। पहले मैंने आपको बताया था एक सब्जेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और ये सेकंड सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट विषय है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर है इसमें साइकोथेरेपी, फिर है इकोनॉमिक्स, फिर है हिंदी, उसके बाद है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इन विषयों में आए हैं पीएचडी के अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आपको भरना है तो भर लीजिएगा, और डेट्स मैंने आपको बता दी है उनका ध्यान रखिएगा। और इन सीटों को कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं उसकी जानकारी आपको प्रॉस्पेक्टर और नोटिफिकेशन दोनों जगह मिल जाएगी। अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें बता देता हूँ जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली बात, यूनिवर्सिटी स्टेट की है तो रिजर्वेशन का कोटा स्टेट का लगेगा, ठीक है। यदि आप पीजी पास कर चुके हैं या पीजी के 4th सेमेस्टर में हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा, पहली बात। यदि आपका पीजी में किसी सब्जेक्ट में बैक पेपर है, अप्लाई मत कीजिएगा। यदि आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या विदाउट क्लियर क्रीमी लेयर में हैं, एससी में हैं, एसटी में हैं, पीडब्ल्यूडी में हैं, तो आपके यदि पीजी में 50% अंक हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी दूसरी कैटेगरी में हैं तो आपके 55% अंक होने चाहिए। यदि आप हरियाणा के बाहर की स्टेट में हैं, मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आप एससी कैटेगरी में आते हैं, पीएच में आते हैं, तो हरियाणा में आप एससी में काउंट नहीं होंगे, आप जनरल में काउंट होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और बात, ऐसे कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे पीएचडी में लेकिन वह बच्चे एमफिल कर चुके हैं पहले, कोई ऐसा कैंडिडेट है, मान लीजिए किसी को हिंदी में अप्लाई करना है पीएचडी में, किसी को इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है, यदि वह बच्चा हिंदी में या इकोनॉमिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक में एमफिल कर चुका है, तो ऐसे बच्चों को पीएचडी में एडमिशन के दौरान आपको कोर्स वर्क नहीं करना होगा, कोर्स वर्क से आपको छूट दे दी गई है, लेकिन आप एग्जाम्प्टेड नहीं है एंट्रेंस से, केवल आपको कोर्स वर्क नहीं करना होगा। एक और बात इसमें कही गई है, जो बच्चे गेट क्वालिफाई हैं, जेआरएफ क्वालिफाई हैं, और जो यूनिवर्सिटी का होता है ना, हरियाणा का ही होता है, एक सेट होता है, उसको आपने क्वालिफाई किया है या आपने गेट क्वालिफाई किया है ना, फॉर्मेलिटी का होता है, तो इन बच्चों को एंट्रेंस नहीं देना होगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी को एंट्रेंस देना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा से मतलब ज़्यादा है रजिस्ट्रेशन की भी और मुख्य फीस भी, और साथ ही साथ में प्रोस्पेक्टर का आप चैप्टर नंबर 12 को, चैप्टर नंबर 12 को जरूर पढ़ लीजिएगा पीएचडी के बच्चे, ध्यान से ऑर्डिनेंस दिया है उसके अंदर, ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह दिया है, उसको देख लेंगे। पेज नंबर 51, चैप्टर नंबर 12, प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 51, उसको ध्यान से देख लेंगे पीएचडी के बच्चे अप्लाई करने से पहले, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एग्जाम का क्या सिलेबस रहेगा वो दिया गया है प्रोस्पेक्टर में। और इसके अलावा यदि आप यूजीसी या सीएसआईआर का नेट और जेआरएफ क्वालिफाई है, डीबीटी हैं, डीएसटी हैं, आईसीएमआर, और इसके अलावा इसमें दिया है एचएससीएसटी यानी कि हरियाणा का जो सेट होता है वह, और एनएफएससी हैं यानी कि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आपका एनएफ है, तो ऐसे सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फेलोशिप मिलती है वह दी जाएगी। और यदि आप नॉन नेट हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी नहीं मिलेगी, ये फैसला यूनिवर्सिटी का है, लेकिन जो नाम मैंने आपको बताए उसमें फेलोशिप मिलेगी। अब एक बात नेट के बच्चों के लिए, ये इसमें विशेष रूप से कहा गया है प्रोस्पेक्टर में, क्योंकि आप फॉर्म तो भर देंगे और मालूम चला आप कंसिडर नहीं किए गए तब क्या करेंगे, क्योंकि आप किसी नियम का पालन नहीं कर रहे होंगे। तो यदि आप नेट क्वालिफाई हैं और नेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी यूनिवर्सिटी ने 3 साल के लिए वैलिड मानी है, समझे नियम को, यदि जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं उनके सर्टिफिकेट की वैल्यू केवल 3 साल के लिए ही वैलिड होगी। मान लीजिए किसी का दिसंबर 2020 में नेट क्वालिफाई हुआ है तो उसके नेट के सर्टिफिकेट की वैल्यू
दिसंबर 2023 तक रहेगी और 22 में आपको एडमिशन लेना है। तो यदि और हाँ, जो नेट के सर्टिफिकेट की डेट होगी ना, इश्यू डेट, उस डेट से माना जाएगा 3 साल के लिए। ये नियम नेट वालों के लिए भी है, गेट वालों के लिए भी है, और ये नियम प्रोस्पेक्टर में दिया गया है विशेष रूप से। आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। पढ़ने के बाद समझने में दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछ लेंगे। मैं नियम आपको इसीलिए बता रहा हूँ विशेष रूप से, क्योंकि एक नियम को भी अगर आप छोड़ देते हैं, हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाए या आपका लिस्ट में नाम ना आए काउंसलिंग के लिए इंटरव्यू। इसलिए नियम को पहले समझ लीजिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अपने अपने विशेष नियम होते हैं। और जो बच्चे पीएच कैटेगरी में है, पीडब्ल्यूडी में है, उनका पीएच यदि 40% या उससे ज़्यादा नहीं है तो वह पीएच कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। और रही बात पीएचडी की, पीएचडी को आप कम से कम 2.5 साल में और ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 साल में खत्म या सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे एमफिल करे हुए हैं उनको एंट्रेंस से एग्जाम्पशन नहीं है, उनको केवल कोर्स वर्क से एग्जाम्पशन दिया गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जो भी वीडियो को सुन रहा है या देख रहा है इस बात का, क्योंकि लगभग 100 पेज का प्रोस्पेक्टर है पीएचडी का। यूजी पीजी के बात हमने नहीं की, लेकिन अगर किसी को यूजी और पीजी में एडमिशन लेना हो वो भी अप्लाई कर सकता है। बी फार्मेसी में करना हो या फार्मा में करना हो, बीटेक में करना हो, वह भी अप्लाई कर सकता है। उसको ध्यान से देख लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो कोर्स वर्क आपका स्टार्ट हो जाएगा सितंबर के महीने के से कहा गया है, हो सकता है स्टार्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो इंटरव्यू का वेन्यू रहेगा वह यूनिवर्सिटी ऑफ जम्बेश्वर ही रहेगी, इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो पहले चरण में एडमिशन होंगे वह सभी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के हैं, ध्यान रखिएगा। यदि आप नेट गेट सेट नेट गेट गैप्ट हैं और ICHR ICVM ये क्वालिफाई कर रखा है तो ही आप फॉर्म भरिएगा, नहीं तो फॉर्म मत भरिएगा, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और 5-7 फरवरी से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि लास्ट डेट में दिक्कत हो सकती है। 14 सब्जेक्ट में आए हैं पीएचडी के फॉर्म, सभी 7-8 लिंक हैं जरूरी प्रोस्पेक्टर के साथ में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा। वीडियो को लेकर कोई टिप्पणी हो, सवाल हो, शिकायत हो, कंप्लेंट हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और रात में मिलता हूँ आपसे 9 बजे, आज हमारा दिन है ना, संविधान का गणतंत्र दिवस मनाएंगे आज अपने तरीके से। जय हिंद, जय भारत, शलभ।